गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथडोलॉजी, लेट्स गिव अ क्विक रिव्यू to some of the quantities as already we have discussed. Now, angular velocity, we have discussed this, and we have defined angular velocity as angular displacement with respect to time. You must be remembering this. This is omega representing angular velocity. So when deriving these equations, we will be using omega, like angular velocity at t is equal to 0, omega naught, initial angular velocity, and at some final time, okay, say t2 is equal to t, final angular velocity we will be writing by omega. It's okay. Then, in previous lectures, we have discussed angular acceleration also. Angular acceleration we have represented by alpha, and we defined it as rate of change of angular velocity with time, or time rate of change of angular velocity. Fine. Here, in the scenario when we will be deriving equations for rotational motion, we will be considering only that situation, okay, jab angular acceleration hamara constant rahega. Mean, we will be taking into account only that situation in which the angular acceleration is there and it has a constant value of angular acceleration. It's okay. Constant angular acceleration means the angular velocity is changing by equal factor in equal interval of time. It's okay. ठीक है, तो in this particular scenario, that is the scenario of constant acceleration, okay, how we write basically the equations of rotational motion, first see that, then we will be discussing about the derivations of those equations. See, to generate those equations, पहले मैं लीनियर मोशन वाले इक्वेशंस लिख रहा हूं इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ऑलरेडी आप डिराइव कर चुके हो. सी, सो इन द सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ लीनियर मोशन वी हैव डिराइव्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट वाज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग के सर लीनियर मोशन की बात क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा. ओके, बिकॉज यू नो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में एक प्रॉपर एनालॉजी है. ठीक है ना, बड़े आराम से ये इक्वेशंस याद करो. ओके, बड़े आराम से यू विल बी एबल टू राइट द इक्वेशंस इन रोटेशनल मोशन. ओके, दिस इज योर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, देन इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. याद आया, पोजीशन टाइम रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. देन इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, ओके, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस. जस्ट टू रिवाइज, वी हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, यू की टर्म में वी यूज टू टॉक ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एस इज डिस्प्लेसमेंट, ए इज एक्सेलरेशन, टी इज टाइम इंटरवल.
है ना। नाउ सी, ओके, अब मैं इक्वेशंस इन द सिचुएशन ऑफ रोटेशनल मोशन व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वो लिखता हूं। इक्वेशंस इन रोटेशनल मोशन व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंगली रिलेशन जो बनता है, ओके, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लीनियर, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, ओके, तो सेम थिंग, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज डिफाइनिंग टाइम, टाइम इंटरवल, ओके। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा दो, थीटा इज इक्वल टू इनिशियल, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट टी टाइम इंटरवल, देन प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, टाइम इंटरवल स्क्वायर, इट्स ओके, देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग दिस, ओके, वी हैव फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा। तो इक्वेशन नंबर वन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री, और इक्वेशन नंबर वन टू थ्री आप लीनियर मोशन वाले कंसीडर कर लो, देखो जरा दोनों में कंपेयर करो, ओके, कि दोनों में एक सिमिलैरिटी है या नहीं, इट्स ओके, ठीक, यू मस्ट बी फीलिंग यस देयर इज अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है बेटा। तो अब हम ये रोटेशनल मोशन वाले इक्वेशंस डिराइव करेंगे, हमने ये इक्वेशंस के डेरिवेशंस किए थे, ओके, एंड वी हैव डन एनालिटिकल ट्रीटमेंट, देन वी हैव डिराइव्ड दीज इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल ट्रीटमेंट, एंड देन वी हैव यूज्ड कैलकुलस मेथड टू डिराइव दीज इक्वेशंस, okay, to derive these equations in case of rotational motion, okay, we will be using just calculus treatment, okay, so let's go ahead with the derivation of these equations in rotational motion. So let's first derive this equation, equation number one, omega is equal to omega naught plus alpha, okay, now situation for this particular, to derive this particular formula, okay, is ke let a body is going around some fixed point, body is rigid body, going around some fixed point with a constant angular acceleration alpha in such a way ke at time t1, some initial time, the angular velocity is omega naught, and at some time t2, its angular velocity is omega. It's okay? जो हम ये formula derive करेंगे ना, वो इस situation में derive कर रहे हैं। आराम से इसको go through करो। A rigid body moving around some fixed axis with constant angular acceleration alpha. At certain time t1 is equal to zero, angular velocity is omega naught, initial angular velocity. And at some time t2, which is equal to t, angular velocity is omega. That is final angular velocity. Okay? As already we know, angular acceleration alpha is written as time rate of change of angular velocity or change of angular velocity with respect to time. Yes? Now, cross multiply kiya. So this implies d omega is equal to alpha into dt. Dt is infinitely small time.
in which the angular velocity is changing by d omega. Okay, so to have a situation of complete time t1 to t2, let's integrate this particular equation, integrating both sides between proper limits. अब ये limits, proper limits क्या है हमारी? जो situation में हमने consider किया है, हमने already consider किया t1 is equal to 0. At t1 is equal to 0, जो angular velocity है, omega, that is equal to omega naught. And at t2 is equal to t, the angular velocity is equal to omega. It's okay. Now, integrating this equation, that is equation number 1, okay, between these limits, we get, this is d omega. Angular velocity kahan se kahan change ho raha hai? Omega naught to omega. Omega naught to omega is equal to alpha into dt. Time ka limit aega. T1 to T2, that is 0 to T. So applying with the integration formulas, we are getting d omega se hume milega omega. From omega naught to omega is equal to alpha is a constant. Bahar a gaya. Dt se bana T. Okay, 0 to T. It's okay. Now, omega ke liye upper value is omega. Minus lower value, that is omega naught, is equal to alpha. Time ke liye upper value is T minus lower value is 0. And we are getting omega is equal to omega naught plus alpha t. तो ये हमारा first equation generate हो गया है, okay? जो already हमने लिखा था, same है ना? First equation of rotational motion. Fine. Now, second equation. Now, situation for this derivation is a body is going around some particular axis with angular acceleration constant. Okay, with constant angular acceleration, the body is going around some particular axis. At time t1 is equal to 0, the body is at the, you know, angular orientation theta 1, which is equal to 0 degree. It's okay. Body is moving, and at some time t2 is equal to t, the body is at angular location theta 2, which is equal to theta degrees. It's okay. Now body is moving with the constant acceleration, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा कि नहीं? ओके, तो हम बॉडी का मोशन कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम के लिए. ओके, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम. ओके, एंड दैट स्मॉल टाइम इन विच और फॉर विच द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. फॉर सम इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. ठीक है, तो लेट angular velocity for that particular time will be d theta by dt. That dt is that infinitely small time jiski hum baat kar rahe the. And in that infinitely small time dt, the body is orienting, okay, by an angle d theta. So angular velocity humne body ka likha d theta by dt. It's okay. Now this can be written as d theta is equal to omega into dt. अब already हम omega के लिए relation derive कर चुके हैं. ठीक, equation number 1. तो इस value को हम equation 1 में डाल रहे हैं. Okay?
Placing value of omega in equation 1, we are getting d theta is equal to omega naught plus alpha t into dt. Now, आप complete scenario के लिए क्या करेंगे इसको? Integrate. तो integrating both sides between appropriate limits. अब ये appropriate limits क्या हैं? Already हम शुरू में define भी कर चुके हैं. At t1 is equal to 0, body का जो orientation था, that was 0 degree. And at some time, t2 is equal to t, the body's orientation is equal to theta. It's okay? So, इस equation number 2 का अब हम integration कर रहे हैं. So, जब हम इसका integrate करेंगे, okay, देखो, d theta. तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या बनेगा? थीटा 1 टू थीटा 2, दैट इज 0 टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डीटी. कौन सा इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम? तो यहां पे टाइम का लिमिट्स आएगा प्लस अल्फा टी डीटी. सेम वे टाइम का लिमिट्स आएगा बिकॉज इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नाउ सिंप्लीफाइंग दिस इंटीग्रेशन, डी थीटा का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? डी थीटा से बनेगा थीटा, लिमिट्स 0 टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ना. डी टी का बनेगा टी, तो ओमेगा नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दैट इज टी, 0 टू टी प्लस अल्फा कांस्टेंट टाइम रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन बनेगा टी स्क्वेयर दैट इज टी रेज टू पावर 1 प्लस 1 है ना ओवर 1 प्लस 1 दैट इज दिस. तो 0 टू टी इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई किया, वी आर गेटिंग थीटा का जो अपर वैल्यू है दैट इज थीटा माइनस लोअर लिमिट इज 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट टाइम का अपर लिमिट इज टी माइनस लोअर लिमिट इज 0 प्लस 1 बाय 2 अल्फा टाइम का अपर लिमिट टी तो इट विल बी टी स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट इज 0 एंड सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टाइम स्क्वेयर. इट्स ओके, तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ओके कि हाउ. बस ये है कि जो मेन हमने सिचुएशन शुरू में एज्यूम किया है वो सिचुएशन यू हैव टू डिफाइन इन अ गुड वे, और उसके बाद तो बहुत सिंपल वे है, आराम से इसको कर लेना है. फाइन, नाउ लेट्स डिराइव इक्वेशन नंबर 3, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. ओके, द सिचुएशन फॉर दिस इज अ बॉडी, अ रिजिड बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एट सर्टन टाइम t1 इज इक्वल टू 0. ओके, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट. Okay, and the body is at angular orientation 0 degree. Okay, at some other time, t2 is equal to t, the angular velocity become equal to omega and the angular orientation is equal to theta at that time. In this scenario, the body is moving with constant angular acceleration. Body is rotating around the fixed axis with constant angular acceleration. The body is moving around axis of rotation with constant angular acceleration alpha. As we know, angular velocity is written as d theta by dt. Yeah, yeah. Now for the situation when the body is moving with constant angular acceleration. Fine. The angular acceleration of the body
is written as. Now, angular acceleration of the body is alpha. And alpha is equal to d omega by dt. It's okay. Now, let इस situation में इस infinitely small time dt में body has moved by an angle d theta. Infinitely small angular displacement d theta. Okay? Body has angular displacement d theta. तो ये जो हमारा equation है, equation number one, multiplying and dividing, okay, by d theta to this particular equation. Okay? It's okay. This equation will become alpha is equal to d theta by dt. मैंने d theta से multiply कर दिया into d omega by d theta. Now see, this d theta by dt क्या बना रहा है ये? Angular velocity omega. Therefore, alpha is equal to omega into d omega by d theta. This implies alpha d theta is equal to omega d omega. It's okay? Now, for the complete scenario, integrating both sides between appropriate limits. So, this part ko we are going to integrate. Okay? Appropriate limits for this will be, देखो, alpha into d theta. और d theta की क्या limits assume की है हमने? 0 to theta. Integration is with respect to d theta. Now, omega d omega. Now, angular velocity is changing from omega naught to omega. ठीक है बेटा? तो now, इसका integration complete करो. Alpha is constant. d theta के लिए क्या बनेगा? Theta. d theta integrated, we are getting theta, limits are from 0 to theta, is equal to omega, as such, omega raised to 1, तो omega raised to 1 d omega, तो इसका क्या बनेगा, omega 1 plus 1, that is omega square over 1 plus 1, that is 2, okay, ये लो, integration completed, limits आएगा, omega naught to omega. ठीक, ओके, ओपनिंग दीज, अप्लाइंग द लिमिट्स. नाउ इस सिचुएशन में जब लिमिट्स अप्लाई होंगी तो थीटा का अपर वैल्यू इज थीटा, ओके, फाइन, अल्फा इज आल्सो हियर, फाइन, अल्फा इनटू थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस जीरो ना थीटा, तो वन बाय टू ओमेगा, अपर वैल्यू इज ओमेगा माइनस लोअर वैल्यू इज ओमेगा नॉट स्क्वायर. इट्स ओके. तो क्या बनेगा यहां पे? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा. एंड दिस इज द इक्वेशन जो हम डिराइव करना चाह रहे थे. फाइन, ठीक है. तो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सिचुएशंस. ठीक है, और ये डेरिवेशन ध्यान से रीड करना है. सिंपल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन आर अप्लाइड, वेरी सिंपल कैलकुलस इज यूज्ड. फाइन, ओके, एंड दीज डेरिवेशंस आर परफेक्टली रिजेंबलिंग टू एज यू हैव डिराइव्ड इन यूनिफॉर्मली एक्सलर्ट मोशन. फाइन, तो गो थ्रू दिस. इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लेट मी नो अबाउट, देन वी विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स afterwards. Okay? Have a nice time.